हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप YouTube स्टूडियो में चेक कर सकते हैं कि आप अपने चैनल के लिए मोनेटाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे YouTube स्टूडियो में जाने के बाद। डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स और यर्न, तो आपको जाना है यर्न टैब में। यर्न टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रीच रिक्वायरमेंट, के सब्सक्राइबर, आपके वॉच टाइम, आपने कितना गेन किया है लॉन्ग वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आप यहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई, आप बात करते हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस की। तो गाइडलाइंस में ये कहते हैं कि अगर आपका 1 ईयर यानी 365 डेज में अगर आपका 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपका चैनल एप्लीकेबल नहीं है मोनेटाइजेशन रूल के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर आप इसमें देखिए यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आप जाइएगा तो यहाँ सब सब लिखा हुआ है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है। तो इसके लिए सीधा सा फंडा है कि आपका चैनल जो है उस पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल। तो आपके जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसमें देखा जाता है मेन थीम, मोस्ट व्यूड वीडियोस, न्यूएस्ट वीडियोस, बिगेस्ट प्रमोशन ऑफ वॉच टाइम, वीडियो मेटा डेटा है। तो ये सब यूट्यूब देखता है आपका चैनल को मोनेटाइज करने से पहले, ठीक है, और रिव्यू करता है यूट्यूब। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।